नमस्कार दोस्तों, आज मैं अपनी जो हमारी इंडियन मीडिया है उसके बारे में आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि ऐसा नहीं है कि हर जगह अच्छे लोगों के साथ में कुछ बुरे लोग भी होते हैं। और जो मीडिया है उसने जितना मुझे प्रोत्साहित किया है, जितना मुझे प्रेरित किया है, इतने अच्छे सलाहकार, इतने अच्छे दोस्त जो मुझे मीडिया में मिले हैं, मैं कहूँगी कहीं ना कहीं मेरी सफलता में उनका बहुत बड़ा हाथ है। उनकी मैं हमेशा आभारी रहूँगी। लेकिन जो दीमक की तरह, जो एक सेक्शन मीडिया का है जो हमारे देश में दीमक की तरह लगा हुआ है, और उसको धीरे धीरे करके उसकी गरिमा को, उसके स्मिता को, देश की इंटेग्रिटी को, देश की एकता को आए दिन अटैक करता रहता है। आए दिन इनके जो भी है झूठी अफवाहें फैलाते रहते हैं, अपने गंदे भद्दे विचार, देशद्रोहिता के जो विचार है वो ओपनली सबके सामने रखते हैं। और इनके खिलाफ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी तरह का कोई भी ना पेनल्टी है और ना ही कोई सजा है। आप तो इस चीज़ से मुझे बहुत ही ज़्यादा ठेस लगी, और मैंने अपने आप में ही ये डिसाइड कर लिया कि ये जो दोगली मीडिया है, ये जो बिकाऊ मीडिया है जो खुद को लिबरल कहती है, सेक्युलर कहती है, और कुछ नहीं है, 10वीं फेल भी नहीं है ये लोग, ये लोग सूडो लिबरल हैं और ये लोग बिल्कुल भी सेक्युलर नहीं है। अगर ये सेक्युलर होते तो हमेशा धार्मिक चीज़ों को लेके देश की एकता पर हमेशा प्रहार नहीं करते। ऐसे ही एक चिंदी से जर्नलिस्ट को मैं एक दो दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिली, तो उसी की तरह बहुत सारे लोग हैं जो जो जितने भी हमारे जो सीरियस इश्यूज हैं, हमारे जो सीरियस कॉजेज हैं। वर्ल्ड एनवायरनमेंट में डे के दिन मैंने प्लास्टिक बैन को लेके एक कैंपेन किया था, जिसमें मैंने प्लास्टिक के खिलाफ ईशा योगा सेंटर के साथ में काफ़ी कुछ एक्टिविटीज़ की थी। इस जर्नलिस्ट को मैंने उसकी खिल्ली उड़ाते हुए देखा। फिर मैंने काउ स्लॉटर के अगेंस्ट, एनिमल क्रूलिटी के अगेंस्ट एक कैंपेन किया, उसका भी ये मजाक उड़ा रहा था। एक शहीद पे मैंने फिल्म बनाई, उसके नाम की खिल्ली उड़ा रहा है। और प्लीज़ आप ये गौरतलब ये है कि इनके पास किसी भी तरह का कोई तर्क, वितर्क, समीक्षा या विचार, जो कि एक पत्रकार का हक है, उस तरीके से नहीं, गाली गलौज करके, गंदी बातें लिख के, प्रोफेशनल ट्रोल्स जो हैं, खुद को मुफ्त का खाना खाने पहुंच जाते हैं ये हर जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस पे। मैं जानना चाहती हूँ कि कोई तो क्राइटेरिया होना चाहिए कि अगर आप खुद को जर्नलिस्ट कह रहे हैं, क्या आपने किया हुआ है? मुझे एक अपना लिखा हुआ कोई ना कोई एक पीस या एक ब्लॉग, जैसे मैं खुद को अगर कलाकार कहती हूँ तो कुछ तो होना चाहिए टू माई क्रेडिट। आप खुद को क्यों पत्रकार कह रहे हैं? किस लिए आप पत्रकार बने हुए हैं? इन तीन चार लोगों ने मिलकर, क्योंकि मैंने उस इंसान के प्रश्नों का उत्तर देने से मना कर दिया, मैंने कहा एक इंटरनेशनल को मैं क्यों एंटरटेन करूं? मेरे पास किसी भी तरह के देशद्रोही के लिए 0% टॉलरेंस है। तीन चार लोगों ने मिलकर मेरे खिलाफ एक कोई गिल्ड बनाई है, शायद कल ही बनी है, ना ही उसकी कोई मान्यता ही है और ना ही उसकी कोई धार नहीं है। तो उस गिल्ड के चलते हुए इन लोगों ने मुझे धमकी देना शुरू किया है कि मुझे बैन कर देंगे, या मेरी मेरी कोई चीज़ का मुझे कवर नहीं करेंगे, या मेरा करियर बर्बाद कर देंगे। अरे नालायकों, देशद्रोहियों, बिकाऊ लोगों, तुम लोगों को खरीदने के लाखों भी नहीं चाहिए। तुम लोग तो इतने सस्ते हो, 50-60 रुपए में बिछ जाते हो। जो अपनी देश के साथ गद्दारी करे, अपनी ही थाली में जिसमें खाते हैं उसी में छेद करते हैं, तुम जैसे नालायक मुझको बर्बाद करोगे? तुम लोगों के बाप दादाओं को भी मैंने लोहे के चने चबाए हैं। आज मैं अगर तुम लोगों जैसे लोगों की चलती ना मूवी माफिया, और तुम जैसे सड़े हुए सूडो जर्नलिस्ट की चलती, तो आज मैं इंडिया की टॉप एक्ट्रेस और हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस नहीं होती। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती और कह रही हूँ कि प्लीज़ मुझे बैन करो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम लोगों के घर में चूल्हा जले। और इससे ज़्यादा बड़ा एहसान आप मुझ पर नहीं कर सकते कि आप मुझे बैन कीजिए। और जो भी मेरे भाई बहन इस देश के जो युवक युवतियाँ हैं जिन्होंने इन लोगों का बहिष्कार किया है, और जब मणिकर्णिका फिल्म भी आई थी और मूवी माफिया उसके अगेंस्ट पूरी गैंग अप हो गई थी, तो इन बच्चों ने इतने अच्छे तरह से हर दिन वी स्टैंड विद मणिकर्णिका ट्रेंड किया, उस फिल्म को बहुत सफल बनाया, फिल्म ने 150 करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस किया। और इस चीज़ से मुझे इतना गर्व है अपने देशवासियों पर। आप लोगों के लिए जो पाएगा उससे भी ज्यादा करके दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो ट्रेलर जितना धमाकेदार है, आपकी परफॉर्मेंस भी उतनी पावर पैक लगी सर। और कुछ सालों से जिस तरह की फिल्में आप कर रहे हैं, पैट्रियोटिक फिल्म, रियलिस्टिक फिल्म, तो लोग काफी पसंद कर रहे हैं उस चीज को।
लेकिन एक चीज़ और है कि जब देखा जाता है, जब चर्चा होती है कि रियलिस्टिक फिल्म पेट्रियोटिक फिल्म की, तो दो नाम सामने आते हैं, एक जॉन अब्राहम, दूसरा अक्षय कुमार। आप दोनों बहुत अच्छे दोस्त भी हैं सर, और कुछ ऐसी भी दोस्ती होती है, बहुत कम ऐसी दोस्ती देखने को मिलती है कि दोस्ती अच्छी और पसंद भी दोनों की एक जैसी हो। एक ही डेट पे आते दोनों। पिछले साल आप दोनों साथ में आए थे और इस साल भी आप दोनों साथ में आ रहे हैं, तो इस दोस्ती को क्या नाम दूं? Make some noise for the Desi boys. Killed it. Nay, I mean, honestly, honestly, if there was a controversy, I would have loved to create it. Lekin, Akshay and me are very dear friends, and we really get along. Hum log ne, in fact, परसों ही हम लोग ने एक दूसरे को मैसेज किया, देर इज एब्सोल्युटली नथिंग, हम लोग सिर्फ दो फिल्म्स रिलीज कर रहे हैं एक दिन पे, देर इज इनफ स्पेस, ऑडियंस को यही दे रहे कि वी गिविंग ऑडियंस अ लॉट ऑफ चॉइस टू चूज फ्रॉम गुड फिल्म्स। एक तो मैं कह सकता हूँ कि हमारी फिल्म बहुत अच्छी है, एटलीस्ट वन चॉइस द ऑडियंस हैज इन द हेड कि एक फिल्म तो अच्छी है। आई होप द अदर टू फिल्म्स आल्सो आर वेरी गुड, दैट्स ऑल आई कैन होप फॉर, बट ऑगस्ट 15th इज अ ग्रेट डेट। जॉन, हाय, दिस साइड अंकिता फ्रॉम रिपब्लिक। फर्स्ट ऑफ ऑल, the trailer looks promising, very nice, very amazing. Thank and you. We are looking forward for the film. My question to you is, be it Akshay in Suryavanshi, be it the Singham franchise, be Butla House for a matter of fact, कहीं ना कहीं वर्दी जो है वो अपना कमाल दिखा ही रही है, एंड यू नो फुटफॉल्स जो हैं, जो थिएटर्स में लोग आते हैं, वो काफ़ी इंक्रीज होता है। डू यू थिंक कि जो वर्दी है या यू नो प्लेइंग अ कॉप इज़ अ हिट फॉर्मूला फॉर अ फिल्म? नो, it's not. Content is the hit formula for a film. If your film's good, it'll run. If it's not good, it will not run. You can wear a cop uniform in a bad film, it'll not run. So content is most important. John, with your films you have been like pulling cars, breaking tires, and now mobile phone. So is it like deliberately put inside the film, or it is like the demand of the film? I real life I can't break everything. I really I enjoy breaking things. So no, but it should look believable, and I think with me, my director of Satyamev Jayate is sitting here, the cute little boy, not little, he's quite big actually, Milap. So I mean, I feel sometimes when it looks believable on an action hero, then so be it. So that's why I think my directors make me do it, and I feel I can. इस बार बॉलीवुड का भी एक सपोर्ट देखने मिला है, सो आई यू सरप्राइज्ड विद दिस? मतलब लोगों ने ट्वीट किया है, कमेंट किया है, ट्रेलर को पसंद किया है, बीट वरुण धवन ने थोड़ी बहुत, आई यू सरप्राइज्ड? वेल गुड, हमारा तो वही हिसाब है, आए तो वेलकम, नहीं आए तो भीड़ कम। कंगना, योर सेंटर, जब ट्रेलर रिलीज हुआ उसके दो तीन दिन तक ट्विटर पे गेम चल रहा था, रिप्लाई गेम चल रहा था, रंगोली जी कर रही थी, बहुत सारे देखिए सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि जस्ट बिकॉज कोई हमारे भाई बहन है, कोई उनके डेमोक्रेटिक राइट्स आप ले नहीं सकते कि आप कंगना की, जो उनको कहना है वो कहते हैं, आप ट्वीट, जब आप यहाँ पे आए तो उनसे पूछ लीजिएगा कि आपके पीछे क्या सोच थी, बिकॉज आई एम नॉट माई सिस्टर स्पोक्स पर्सन, बट एट द सेम टाइम इट इज हर फंडामेंट। आपकी वॉल पे तो वो लिख नहीं रही है, नहीं, उसको लिखने दीजिए, जहाँ लिख रही है आपको नहीं पढ़ना है तो मत पढ़िए, वो रोज सुबह बेल तो बजाती नहीं है आर्मी की कि आके मेरे ट्वीट पढ़ो, वो अपना लिख रही है, कई बार लोगों को टैग भी नहीं करती है, उसको बेचारे को लिखने तो जो लिखना है, ऐसे भी ट्विटर पे क्या लोग अपने गंदे फोटो ही डालते हैं, कुछ तो अच्छा काम हो नहीं रहा है, बट एटलीस्ट शी हैज एन ओपिनियन। कंगना, कंगना, एकता, आई वॉन्ट टू आस्क यू, एकता, ये रिस्पॉन्स मिला क्योंकि ये अच्छी फिल्म है, yes. ये कंगना की फिल्म है, ये राज की फिल्म है, मेरा नाम अटैच्ड है, ये इन सब की फिल्म है, थैंक यू सो मच। बट कंगना, राज, कुडोस यू बोथ। हेलो कंगना, आप क्वीन लग रही हैं इसमें, और राज तो अपना प्रिंस वाला स्वैग दिखा ही रहे हैं, जहां भी आप जाती हैं कॉन्ट्रोवर्सी अपने आप जुड़ जाती है, लेकिन इस फिल्म में आप दोनों के बीच में पंगे की न्यूज कम आई है, और एकता आपने कैसे एक राजकुमारी जो इंडस्ट्री की क्वीन है उसको, और एक राजकुमार हमारा जो है उसको कैसे एक पैकेज में लेकर आई आप? दो लोगों का हाथ है, एक और राजकुमारी जिसका नाम है रुचिका, और एक राजकुमार जिसका नाम है शैलेश। बड़ा मस्त से जब दो अच्छे एक्टर्स, इन नॉट इनसिक्योर एक्टर्स, एक फ्लोर पे जाते एक फिल्म करने के लिए, एक स्क्रिप्ट करने के लिए, यू डोंट यूजुअली हैव अ प्रॉब्लम। राजा, एकता, डिड कंगना थ्रो टैंट्रम्स दिस साइड टुवर्ड्स योर राइट? डिड कंगना थ्रो टैंट्रम्स? या, लॉट्स ऑफ देम, दैट्स व्हाई वी बोथ आर ऑन द सेम स्टेज टुडे।
Like what? She threw so many tantrums, I can't tell you. She said, I'm not going to shoot like the song. What? I'm not going to shoot the film. The film got shot, the song got shot. I don't know who shot it, but... Kisne shoot kiya? They did not throw any tantrums. And please remember one thing. Every time I hear an actor throws tantrums, I go to work with that actor. You know why? Because mostly it's people who want to do good work, who ask questions that are called tantrumy. So, ma'am, our question that is so exactly you've been related. Doing, you've been working with Rajkumar. Does that mean the same to Rajkumar also? So Raj has always asked me the right questions and I will never stop answering those questions because if you don't ask questions, means you're not interested. क्या बात है भैया, क्या बात है।